बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। वेलकम इन डे विद उजाला। आज एक नया दिन है, खूबसूरत दिन है और संडे है जी। तो संडे के हैं आज के बहुत सारे काम और ये मेरे इस ब्लॉग में आप लोग ये देखेंगे कि आज जो है वो संडे के कौन कौन से काम है। एक्चुअली ये है कि मैं आज से जो है वो सफाई स्टार्ट करवा रही हूँ, जो कि हम लोग रमज़ान से पहले जो है वो स्टार्ट करवाते हैं। तो ये है कि स्टार्ट करने लगे हैं सफाइयाँ, बिकॉज ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, रोज़ एक नया काम होता है। तो बीच में ऑब्वियसली फिर कुछ दिन गैप भी आ जाता है। तो मैंने कहा कि अब मज़ीद जो है वो इस चीज़ को हम डिले नहीं करते और इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग को देखना है आप लोगों ने एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने अपर पोर्शन वाले सारे जो कर्टन्स हैं वो कल रात को ही उतरवा के तो रख लिए थे। ये वाले जो हैं वो तो ज़ाहिर है ये यहीं पे ही क्लीन होंगे, ये नहीं मैं उतारती, लेकिन वो जो साइड वाले कर्टन्स होते हैं वो मैंने उतरवा दिए हैं सारे, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने रूम्स के भी जो है वो उतरवा दिए हैं। तो सबसे पहले ये है कि आज का जो मेरा टास्क है, क्योंकि संडे है, मेड मेरी आज नहीं आती, सफाइयाँ इन डिटेलिंग इस चीज़ की जो कर्टन्स मतलब उतरे हैं और ये सारे ये सफाइयाँ तो एक्चुअली डेप्थ में कल होने वाली हैं इंशाल्लाह ताला जब मेड आएगी तो, लेकिन आज ये है कि कर्टन्स धोने हैं। सो लेट्स गो। मैं आप लोगों को सूरत हाल जो है वो दिखाती हूँ। ये सारे कर्टन्स मतलब एक पोटली बना के इसके अंदर सारे ये रखे गए हैं और अब ये आहिस्ता आहिस्ता होंगे वॉश। तो मैं जो है वो इनको स्टार्ट कर लेती हूँ मशीन में। अभी तो जी सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले जो है वो संडे का हेल्दी यमी ब्रेकफास्ट जो है वो बनाते हैं, और भूख भी अच्छी खासी लगी हुई है। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं वेजिटेबल पैनकेक्स बनाऊँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे और टमी फिलिंग भी होंगे। सो सबसे पहले जो है वो मैं अपना नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ और उसके बाद हम करते हैं मिल के नाश्ता और फिर जो है वो अपने कामों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तो रेडी हो रहे हैं हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल पैनकेक्स। ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे यू नो वेजिटेबल्स खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं। फिर मैं क्या करती हूँ कि इसी तरह की कोई चीज़ें बना के उनको वेजिटेबल इनटेक करवा देती हूँ ना, तो अच्छा है, हेल्दी भी रहता है और वो वेजिटेबल भी इस बहाने खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है सीरियसली। सो या मैं सिर्फ इसको ब्रेकफास्ट में नहीं बल्कि लंच में भी इंजॉय करती हूँ। ये बहुत डिलीशियस और हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा जी, तो अभी तो मैंने फ्रेश जो है वो लेमन जूस बना लिया है, बिकॉज कल से मुझे ना अपना बीपी ज़रा लो लग रहा है। कल भी मैं अपनी फ्रेंड से यही बात कर रही थी, तो शी वाज़ सेइंग कि यार फ्रेश नींबू पानी जो है वो बना के और पी लो। तो कल फिर यह है कि मैं पता नहीं क्यों उस टाइम एक्चुअली लेट गई थी, मेरी आँख लग गई और उसकी वजह से मैं उठी दोबारा नींद से, तो आई वॉज़ लाइक फीलिंग बेटर, तो मैं इस चीज़ को भूल गई। तो अभी फिर जो है वो मुझे थोड़ी सी इस तरह से फीलिंग आ रही थी, तो मैंने कहा कि वाई नॉट मैं फ्रेश नींबू पानी को इन्जॉय करती हूँ। और जनाब पर्दे अभी धुल रहे हैं, आधे धुल चुके हैं, आधे अभी रहते हैं, बीच में और भी बहुत सारे काम किए, जोहर का भी टाइम हो गया है और यह है कि अब नमाज भी पढ़ लेते हैं। संडे तो फिर जनाब फिर ऐसा ही होता है। अच्छा जी, तो खाने का सीन ये है कि मैंने पका ली है भिंडी, जो कि है ईजी और यमी और क्विक एट द सेम टाइम। ले जी, पर्दे धुल गए हैं, कुछ यहाँ डाले, कुछ नीचे डाले, कुछ जो है वो इधर गैरेज में जो है वो डाले हैं, नज़र नहीं आ रहे। खैर, इट्स ओके, फाइनली हो गए हैं, धुल गए ऊपर वाले सारे पर्दे। मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी आइसक्रीम, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करूँगी। मगरिब की नमाज अजानें हो रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुश रहने दें।